हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक और स्टोरी जादुई शरबत फ्रॉम सुधा मूर्तिज द मैजिक ड्रम एंड अदर फेवरेट स्टोरी बुक। इस स्टोरी का हिंदी रूपांतर कर रही हूँ द बॉटल ऑफ ड्यू। द इंग्लिश स्टोरी इज द बॉटल ऑफ ड्यू और मैं हिंदी में सुना रही हूँ जादुई शरबत। सो आज की कहानी क्या है? रामानाथ एक बहुत आलसी इंसान था। जो उसके फादर थे बहुत बड़े जिम्मेदार लैंडलॉर्ड थे, उसके नाम पर बहुत सारी ज़मीन छोड़कर वो तो भगवान के पास चले गए, पर रामानाथ ने कभी उन ज़मीन पे ध्यान ही नहीं दिया, उसको कभी कोई काम नहीं किया। वो धीरे 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 ज़मीन बेकार होने लगी। उसकी बीवी, उसके घर वाले सभी बहुत परेशान थे कि रामानाथ कभी भी ज़मीन का कोई ध्यान ही नहीं रखता। क्यों नहीं रखता था? क्योंकि उसके दिमाग में एक बात थी कि कहीं ना कहीं से उसको एक जादुई वस्तु मिल जाए, जिसको भी उससे छुएगा वो वस्तु गोल्ड की हो जाएगी, सोने की बन जाएगी। तो ये चीज़ उसके दिमाग में घर कर गई थी, उसके दिमाग में बस गई थी कि मुझे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, बस वो मैजिक पोशन मुझे मिल जाए और मैं जैसे किसी चीज़ को छूँगा वो सोने की बन जाएगी, उस सोने से मेरा घर चलता रहेगा। तो वो कभी कोई काम ही नहीं करता था। इस मैजिक पोशन के चक्कर में वो बहुत बार बेवकूफ बना। लोग उससे पैसा एंट लेते थे कि ये लो मैजिक पोशन और बन जाएगा इससे गोल्ड। तो ऐसे ही वो लोगों से बेवकूफ बनता रहता था। इस बात से उसकी बीवी बहुत परेशान थी। इसी तरह दिन बीतते गए और वो अपनी जितनी जमा पूंजी थी वो खर्च करते चले गए मैजिक पोशन ढूंढने के चक्कर में। करते करते एक दिन उस गांव में एक स्वामी जी आए और उन्होंने मधुमती, जो कि रामानाथ की बीवी थी, उसको बोला अपने पति को मेरे पास लाओ, मैं उसको वो मैजिक पोशन दे दूंगा। मधुमती खुश हो गई। उसने बहला फुसला कर अपने पति को बोला कि जो स्वामी जी गाँव में आए हैं वो तुम्हें मैजिक पोशन दे देंगे। स्वामी जी ने रामानाथ को कहा कि तुम्हें बहुत से केले के पेड़ लगाने होंगे, उसके ऊपर जब ओस गिरेगी उस ओस को इकट्ठा करके बॉटल में भरना होगा और जब वो ओस 5 लीटर इकट्ठी हो जाए तब मेरे पास लेकर आ जाना, मैं तुम्हें उस पर मंत्र जाप करके उसका मैजिक पोशन बना दूंगा और फिर तुम जिस चीज़ को भी हाथ लगाओगे वो सोने की हो जाएगी। रामानाथ खुश हो गया, पर स्वामी जी ने कहा उसके लिए एक शर्त है, तुम्हें उस सारी जमीन पर रोज पौधों को पानी देना होगा, उनकी अच्छे से देख रेख करनी होगी और मेरे पास तभी आओगे जब 5 लीटर ओस इकट्ठा हो जाए। तो रामानाथ ने कहा ओस तो सिर्फ सर्दियों में पड़ती है और इतनी कम महीनों में मैं इतनी सारी ओस कैसे इकट्ठी करूँगा। तो स्वामी जी ने कहा जितने मर्जी पेड़ लगाओ, जितनी मर्जी ओस इकट्ठे करते जाना, सो काम बढ़ेगा पर उससे ओस जल्दी इकट्ठी हो जाएगी। को लगा ठीक है। उसने अगले दिन सुबह ही खेत जाना शुरू कर दिया, धीरे 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 अपनी ज़मीनों को ठीक किया, उस पर केले के पेड़ लगाए, धीरे धीरे पेड़ों को बड़ा करते करते उनकी देख रेख करने लगा और करते 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 सर्दियों का महीना आ गया। वहाँ पर वो ओस इकट्ठे करने लगा, उसके लगने लगा कि मेरा सपना तो सच होने वाला है, पर ओस तो बहुत थोड़ी सी इकट्ठी होती थी। इसी तरह उसने और ज़मीनें बढ़ाई और पेड़ लगाए, सो करते 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 5 साल बीत गए। उसकी मेहनत रंग लाने लगी, उस पर बहुत सी फसल होने लगी। जैसे ही केले के पेड़ पे केले लगने लगे तो मधुमती, जो कि उसकी बीवी थी, वो सारी फसल जाकर गांव के मंडी में बेचने लगी। 5-6 साल बाद जब वो बोतल में ओस एकत्रित करके 5 लीटर ओस एकत्रित करके स्वामी जी के पास पहुंचा, उसने बोला स्वामी जी मैंने तो 5 लीटर ओस इकट्ठा कर ली। स्वामी जी ने कहा वाह बहुत बढ़िया, लाओ अब मैं इसको मैजिक पोशन में कन्वर्ट कर देता हूँ, बदल देता हूँ। उन्होंने अपना मंत्र जाप किया और बोला ये लो। रामानाथ प्रसन्न हो गया, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसे लगा भाई मेरा तो जीवन भर का सपना
सत्य हो गया। उसने पास में पड़ी एक कलश पर ये पानी छिड़का तो देखता है क्या है, कुछ हुआ ही नहीं। उसने कहा, स्वामी जी ये तो बहुत बड़ा धोखा है, ये तो आपने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। तो स्वामी जी ने कहा कि बेटा अपनी बीवी को बुलाओ। मधुमती वहाँ आई एक बड़ा सा बक्सा लेकर, उसे बोला मधुमती ये बक्सा खोलो। जैसी मधुमती ने वो बक्सा खोला उसमें गोल्ड कॉइन्स थे, उसमें बहुत सारा धन था। उसने बोला देखो ये रहा तुम्हारा मैजिक पोशन, जब तुम खेतों में काम कर रहे थे, पौधों को पानी दे रहे थे, उनकी देख रेख कर रहे थे, अपनी फसल उगा रहे थे, तब मधुमती तुम्हारी उस फसल को बेचकर ये धन एकत्रित कर रही थी। सो दुनिया में कोई भी मैजिक पोशन नहीं होता मेहनत के अलावा। आपको जो भी अपना सपना सच करना है वो मेहनत से ही होगा, और ऐसा कोई मैजिक पोशन नहीं होता। द ओनली मैजिक पोशन इज इन योर हैंड्स एंड द वर्ड्स ऑफ विजडम आर दैट देयर इज नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क। सो आपको परिश्रम तो करना ही होगा, और अगर आपको क्लास में टॉप करना है या किसी गेम में कैप्टन बनना है या अपनी लाइफ में किसी कॉलेज में अचीवमेंट लेनी है तो आपको हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा, बहुत सारी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। उसी से आप सबको मैजिक पोशन मिलेगा और जो चाहोगे अपने सभी सपने सत्य कर पाओगे। कहानियाँ सुनते रहिए, उनसे छोटी छोटी कहानियों से बड़ी बड़ी शिक्षाएं हमें मिलती रहती हैं। मेरा नाम है इंदु कुंज, चैनल सब्सक्राइब करना, कहानी को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं सुनाती रहूँगी, आप मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।